A very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start chapter number 5th in your geography book, that is major domains of the earth. ठीक है? Earth के major domains के बारे में हम study करेंगे. ठीक है? So open your geography book. Page number है आपका 30. This is your chapter. Major domains of the earth. ठीक है? स्टार्ट करें. एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ. ठीक है, जैसा कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे जो है लाइफ यानी कि जीवन पाया जाता है, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जरूरी चीज़ें, वो सब सिर्फ कहाँ पे मिलती हैं, एक ही प्लैनेट पे मिलती है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे. ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान यहाँ पे क्यों रह सकते हैं, इसलिए रह सकते हैं क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स यानी कि जिंदगी को, लाइफ को, जीवन को चलाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ पे प्रेजेंट है. इसी वजह से जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम यहाँ पे जिंदा रह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग यानी कि जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो आपकी वाटर है, एयर है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो पीने पीने के लिए चाहिए, जमीन जहाँ से प्लांट्स होते हैं जिससे हमें जो है फूड मिलता है, जमीन में हम रहते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें अर्थ पे मिलती है, इसलिए अर्थ पे हमारा जो है जीना पॉसिबल हो पाता है. क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे जो है लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स यानी कि जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब पाई जाती हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है जिंदा रह पाते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट. अब देखो जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस मतलब जो जमीन है, अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जोन है, एक मतलब बड़ा ही कठिन सा एक जोन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी जो है एनवायरनमेंट के, हमारे जो पर्यावरण के तीन मेन कंपोनेंट्स जो है मिलते हैं, तीन जो मेन हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ पे आके मिलते हैं. कौन कौन से हैं वो तीन हिस्से, मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट, यानी कि तीन जो हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे वातावरण के तीन मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आके मिलते भी हैं, ओवरलैप यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप भी करते हैं और जो है इंटरैक्ट भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मेल जोल भी रखते हैं. कौन कौन से हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो धरती का वो सॉलिड पोर्शन होता है जिस पे हम रहते हैं, ये जो हार्ड जमीन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है, बेसिकली धरती का वो हार्ड जो सरफेस होता है, सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जिसपे हम रहते हैं. ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या हो गया, जो जमीन होती है उसको हम बोल रहे हैं, जो हार्ड सरफेस है, सॉलिड सरफेस. ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. जो गैसेस लेयर मतलब गैसेस से बनी हुई जो एक लेयर है जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करके घेर के रखती है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या हुआ, जो गैसेस हैं जो अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखती हैं उन उसको हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर. दो चीज़ें समझ में आई, एक हो गया लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है, जो सॉलिड सरफेस होता है जिस पे हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं यानी कि ज़मीन, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं. और जो गैसेस लेयर्स होती हैं, गैसेस की जो लेयर्स होती है जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करके रखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. और एटमॉस्फेयर में क्या कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस पाई जाती हैं. कहाँ पे पाई जाती हैं, ये एटमॉस्फेयर में. ये याद रखना है आपको, कौन कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी दूसरी गैसेस, ये सब कहाँ मिलती हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. क्लियर,
वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. अब हमारी जो अर्थ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरफेस जो है किससे ढका हुआ है, किससे कवर्ड है, पानी से. यानी कि हमारे अर्थ का बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है. एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. और इस हिस्से को, धरती के जिस हिस्से में पानी है उस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. जैसे आपके बड़े बड़े ओशियंस हो गए, है ना, सीज हो गए, महासागर, समुद्र, है ना. तो धरती का जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि पानी से ढका हुआ है उस पोर्शन को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. तो तीनों पोर्शन आपको समझ में आए अर्थ के, कौन कौन से, लिथोस्फीयर यानी कि सॉलिड जो अर्थ है, पोर्शन है अर्थ का जहाँ पे हम रहते हैं वो हो गया लिथोस्फीयर. और वो सारी गैसेस जो अर्थ को अपने चारों ओर सराउंड करके रखती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस हैं, तो वो सब मिलके क्या बनाती है, एटमॉस्फेयर बनाती है. और जो धरती का हिस्सा जो पानी से ढका हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स. अब जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें पानी के सारे ही टाइप्स आ जाते हैं, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, चाहे वो भाप के रूप में हो, वाटर वेपर्स हो, ठीक है. तो यानी कि चाहे वो पानी है, बहता हुआ पानी है, चाहे वो बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ पानी है, चाहे वो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, भाप है, वाटर वेपर्स हैं, कुछ भी है, तो उन सभी को हम जो है हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि तो सिर्फ पानी है, बर्फ़ को भी, जैसे जो बड़े बड़े पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, वो सब भी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, ठीक है. द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर. अब बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो, एक पतली सी वो जोन होती है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर जो है तीनों ही मिलती हैं. विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे सारी फॉर्म्स जो है लाइफ की पाई जाती हैं. यानी कि एक पतली सी, एक बहुत ही नैरो जोन जहाँ पे ये तीनों चीज़ें लैंड, वाटर, एयर जो है पाई जाती है और जहाँ पे जीवन पाया जाता है. यानी कि विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और आपके जानवर हो गए, सब चीज़ें जो जिन भी चीज़ों में लाइफ है वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी बायोस्फीयर में आ जाती है, ठीक है. चौथी चीज़ आपका, चौथा कंपोनेंट कौन सा हुआ, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पे हम लैंड, वाटर और पानी को जो है तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं और जहाँ पे लाइफ संभव होती है, जीवन पाया जाता है, उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर. क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अब हम इसको वन बाय वन, इन सारी जो हमारी कॉम्पोनेंट्स हैं अर्थ के, अलग अलग जो जोन्स हैं इनको जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है, वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फीयर को कि लिथोस्फीयर क्या होता है. वन लाइन में तो हमने समझ लिया मेन मेन क्या होता है. लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं, इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं कि बेसिकली लिथोस्फीयर क्या होता है. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, ठीक है. अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, जमीन, मिट्टी, ठीक है, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर बोल रहे हैं. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट कौन सी लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की. तो इसमें क्या होता है, रॉक्स होती हैं अर्थ के क्रस्ट की, जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, वो पाई जाती हैं. एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की एक पतली सी लेयर होती है दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अब इस पे क्या होता है, देखो चट्टाने पाई जाती हैं, चट्टाने के ऊपर मिट्टी की एक पतली सी एक लेयर होती है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पेड़ पौधे होते हैं ना इस मिट्टी में, ठीक है. और इसमें ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, ये सब चीज़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है. तो ये सारा मिलकर क्या बनता है, हमारा लिथोस्फीयर बनता है. चट्टाने होती हैं हमारे जो अर्थ के क्रस्ट की, और चट्टान के ऊपर एक पतली सी लेयर मिट्टी की होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें भी उस मिट्टी में पाई जाती हैं, ठीक है. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अब जो हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उसको जो है हम दो भागों में बांटते हैं, जमीन को या जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसको हम दो भागों में बांटते हैं. द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. जो
बहुत बड़ा वाला भाग होता है, लैंडमास यानी कि जमीन, जो बहुत बड़ा लैंडमास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगले पेज पे आपको दिख रही है ना पिक्चर, ये क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये एशिया हो गया, ये वाला एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, एशिया में है ना इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो है यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, ये जो है अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट्स है। तो लैंड मास का जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जो है कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ये सारे अलग अलग हमारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इनमें, और जो हमारा इंडिया है वो भी एशिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। और जो यहाँ पे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, ह्यूज ह्यूज मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होती है उनको हम ओशन बेस बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्टिनेंट, हमने लैंड सरफेस को दो भागों में बांटा, एक हो गया कॉन्टिनेंट्स आपके महाद्वीप, और दूसरे हो गए महासागर यानी कि ओशन बेसिन्स, जो कि बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, लार्ज लैंड मासेस होते हैं, जमीन के बड़े बड़े जो है टुकड़े कह सकते हैं हम, बहुत बड़े बड़े जमीन के जो हिस्से होते हैं उनको लार्ज लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होती है उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम ओशियन बेसिन्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। हमारे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखो जैसे कि ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब ये वापस से क्योंकि देखो ये तो जो हमारी अर्थ है वो तो राउंड शेप में है ना थोड़ी, तो ये वापस से इधर से ही मुड़ के जाओगे तो पैसिफिक ओशियन इधर भी है और इधर भी है। ये आर्कटिक ओशियन है, तो पानी के जितने हिस्से हैं देखो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, है ना, एक दूसरे से कोई भी कटा हुआ नहीं है। तो जितने भी हमारे जो ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जितने भी हमारे ओशियंस हैं, हमारे महासागर हैं, ठीक है। नाम देखो यहाँ पे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये ब्लू कलर के हैं ना जो, क्योंकि वाटर बॉडीज दिखा रहे हैं हम, ठीक है। और ये सदर्न ओशियन हो गया, ये आपका इंडियन ओशियन हो गया, यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशियन हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया, ये सारे देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से ही यहाँ से। तो जितने भी हमारे ये लार्ज वाटर बॉडीज हैं या जितने भी हमारे ओशियंस हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमने ये वाला जो मैप लिखा है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी दिख जाएंगे और अलग अलग सारे ओशियंस भी विजिबल होंगे, ठीक है। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अब हमने देखो ओशियंस तो देखा कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जितने भी लैंड मासेस हैं क्या वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो मैं आपको, लैंड मासेस कौन से हैं हमारे, कॉन्टिनेंट्स, तो आप क्या कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे नहीं जुड़े हुए हैं ना, ये देखो ये तो नहीं जुड़ा हुआ आपस में, ये भी नहीं जुड़े हुए आपस में, है ना, ये भी देखो ऑस्ट्रेलिया तो कितनी दूर है ना, तो लैंड मासेस तो नहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन जितने ये हमारे ओशियंस हैं ये एक दूसरे से जरूर जुड़े हुए हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर, समुद्र का जो पानी है उसका जो लेवल है वो हर जगह पे सेम है, ठीक है, एस सेम इस तरीके से, जो सी लेवल है वो हर जगह पे सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। तो अब जब हमें पता है कि समुद्र का जो लेवल है हर जगह पे सेम है, तो जब हमें ज़मीन की ऊंचाई को नापना होता है तो हम सी लेवल से उसको गिनना शुरू करते हैं। अब हमें देखना है कि कोई जगह कितनी ऊंची है तो हम उसको समुद्र के लेवल से ही नापते हैं, क्योंकि ज़मीन तो कहीं ऊंची कहीं नीची हो सकती है, लेकिन अभी हमने देखा कि समुद्र का लेवल हर जगह एक जैसा होता है, लिखा है ना द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। सी वाटर, समुद्र का जो पानी है उसका लेवल हर जगह पे एक जैसा होता है, इसलिए एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। जमीन की जो ऊंचाई है वो समुद्र के लेवल से नापी जाती है, विच इज टेकन एज जीरो। समुद्र के लेवल को हम क्या मानते हैं, जीरो। जीरो से शुरू करके फिर हम किसी ज़मीन की ऊंचाई को
नापते हैं। तो जो सी लेवल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीरो लेवल बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड ओरिजिन आपको दिया हुआ है, ये इसको देखो। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन। ग्रीक भाषा में लिथोस का मतलब क्या होता है, अभी हमने लिथोस्फेयर पढ़ा ना, तो लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन। स्टोन यानी कि पत्थर। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में लिथोस शब्द का अर्थ होता है पत्थर, और एटमॉस का मतलब होता है वेपर। ठीक है, वेपर मतलब बुलबुले। होडर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन लाइफ। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोस्फीयर बोला, हाइड्रो वर्ड कहाँ से आया, होडोर से, होडोर का मतलब होता है वाटर। और बायो, बायोस्फीयर को हमने पढ़ा, बायोस्फीयर का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव, अभी हमने पढ़े हैं देखो, है ना, जैसे लिथोस से बना लिथोस्फीयर, एटमोस से बना एटमोस्फीयर, और हाइड्रोर से बना आपका हाइड्रोस्फीयर, और बायो से बना आपका बायोस्फीयर। तो ये आपको वर्ड ओरिजिन बता रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स जो है कहाँ कहाँ से आए हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब जब हम माउंट एवरेस्ट, आपको पता है ना, हम बार बार बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है पहाड़ है, पर्वत है। तो जो सबसे द हाइएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है, पर्वत चोटी है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो उसकी ऊंचाई कितनी है सी लेवल से, समुद्र के लेवल से 8848 मीटर्स है, वो समुद्र के लेवल से ऊपर है। अभी हमने देखा ना कि हम किसी भी चीज़ की एलिवेशन यानी ऊंचाई को जब नापते हैं तो हम समुद्र के लेवल से उसको नापते हैं, क्योंकि समुद्र के लेवल को हम जीरो माना है। ठीक है, तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची एक जो है पीक है, चोटी है, माउंटेन पीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है 8848, कहाँ से है वो, सी लेवल से। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और सबसे ज़्यादा जो गहराई है, ग्रेटेस्ट दी डेप्थ यानी कि सबसे ज़्यादा गहराई है, वो कितनी है 11,022 मीटर्स, कहाँ पे है रिकॉर्ड की गई है, मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। पैसिफिक ओशन देखा ना आपने यहाँ पे, तो पैसिफिक ओशन के अंदर, पानी के अंदर नीचे सबसे ज़्यादा गहरी जो जगह है उसका नाम है मरीना ट्रेंच। ठीक है, उसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर्स। ठीक है, एक सबसे ऊंची आपको ऊंची भी बता दी और सबसे गहरी भी बता दी। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाइएस्ट पॉइंट। आपने देखा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई है वो जो है सबसे हाइएस्ट पॉइंट से भी ज़्यादा है, यानी कि देखो गहराई तो 11,022 मीटर है लेकिन ऊंचाई कितनी है 8,848, है ना, तो वो ऊंचाई तो सिर्फ 8,000 समथिंग है लेकिन गहराई 11,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या इमेजिन कर सकते हो, जो सी की डेप्थ है, समुद्र की जो गहराई है, वो जो है हाईएस्ट पॉइंट से भी ज़्यादा। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है अभी हमने देखा 8,848 मीटर्स, लेकिन जब हमने गहराई नापी समुद्र की तो सबसे गहरा पॉइंट हमें कहाँ पे मिलता है, मरीना ट्रेंच में, जो कि कहाँ पे है, कितने गहराई पे है 11,022 मीटर की, यानी कि समुद्र ज़्यादा गहरा है, जितने ऊंचे पहाड़ हैं उससे भी ज़्यादा जो है गहराई हमारे समुद्र की है। ठीक है, अब डू यू नो देखते हैं, एडमंड हिलैरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया के हैं, वर द फर्स्ट मैन टू क्लिम द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। ये दोनों क्या थे, ये पहले आदमी थे जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को जो है क्लिम किया था, यानी कि इसकी चढ़ाई की थी। कब की थी, ऑन द प्लैनेट अर्थ, ऑन, तो यानी कि हमारी प्लैनेट अर्थ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, उसको जो है उसने ये पहुंचे थे 29 मई 1953 को। जोंकुट तबाई जापान की है, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। ये जो है पहली महिला है जो कि इस जगह पे पहुंची थी 1975 में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम द हाइएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वॉज बैचंद्री पाल। ठीक है, भारत की पहली महिला कौन थी, बैचंद्री पाल थी,
जो कि 1984 में जो है 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे जो है पहुंची थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए, नाम बताए गए को कौन कौन जो है माउंट एवरेस्ट पे कब कब पहुंचा। ठीक है, बाकी का जो कॉन्टिनेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक आप जो है इसको स्टडी करके आएंगे, मेन जो है आपको मैप स्टडी करना है, सारे कॉन्टिनेंट्स के आप जो है नाम याद करेंगे। ठीक है, सारे ओशियंस के नाम आपको लर्न करने हैं, ये दोनों चीज़ें आप जो है कल की क्लास में लर्न करके आएंगे, जितने भी हमारे ओशियंस हैं उनके नाम। ठीक है, और जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम, ताकि जब आप मैप में देखें तो आपको उनके नाम जो है याद रहेंगे कि एशिया जो है वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पे है, फिर ओशंस कहाँ पे हैं अलग अलग, जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन, ये सब आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है,